देश और दुनिया की एक्सक्लूसिव खबरों के लिए सब्सक्राइब करें माय एजुकेशनल रेडियो और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सबसे पहले मिले देश और दुनिया की एक्सक्लूसिव खबरें। पल के झपकाना सामान्य शारीरिक प्रक्रिया है। आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि आंखों की तरलता बनाए रखने के लिए पलकों का झपकना बेहद जरूरी है, लेकिन शोधकर्ताओं के मुताबिक पल के झपकाने से दिमाग को ताजगी मिलती है, क्योंकि पल भर के इसी लम्हे में हमारा दिमाग आराम कर लेता है। आंसू को हम दुखों का पर्याय मानते हैं, पर आंखों की अच्छी सेहत के लिए आंसू भी बेहद जरूरी है। इसी की वजह से आंखों की कुदरती नमी बरकरार रहती है, पर आजकल लोगों की आंखों में रूखेपन की समस्या तेजी से बढ़ रही है। आधुनिक जीवन शैली ने जिन स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म दिया है, ड्राई आई सिंड्रोम भी उन्हीं में से एक है। इसमें आंखों की नमी कम हो जाती है। सामान्य दृष्टि के लिए आंखों में नमी होना बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा कि स्वस्थ आंखों की पुतलियां हमेशा गीली नजर आती है। दरअसल की पुतलियों पर एक खास तरह का लिक्विड होता है जो लुब्रिकेटिंग का काम करता है। जब आप पलके झपकाते हैं तो ये लुब्रिकेंट पुतलियों में अच्छी तरह फैलता रहता है। आंखों की पुतलियों पर नमी बरकरार रहती है। इससे उल्टा जब आप पलके कम झपकाते हैं तो लुब्रिकेट सही तरीके से आंखों में फैलता नहीं है। इसी कारण से आंखों में सूखापन आ जाता है, जिसे ड्राई आई सिंड्रोम कहा जाता है। ड्राई आई सिंड्रोम में या तो आंखों में आंसू बनना कम हो जाता है या फिर उनकी गुणवत्ता अच्छी नहीं रहती। दरअसल आंसू आंख के कॉर्निया व कंजेक्टाइवा को नम कर गीला रखकर उसे सूखने से बचाता है। वही हमारी आंखों में एक टियर फिल्म होती है, जिसकी सबसे बाहरी परत को लिपिड या ऑयली लेयर कहा जाता है। यही लिपिड लेयर आंसू के ज्यादा बहने, गर्मी एवं हवा में आंसू के सूखने या उड़ने को कम करती है। लिपिड या फिर वह ऑयली लेयर ही आंखों की पलकों को चिकनाई प्रदान करती है, जिससे पलकों को झपकाने में आसानी रहती है। लेकिन बहुत देर तक कंप्यूटर पर काम करने या बहुत ज़्यादा टीवी देखने या फिर लगातार एयर कंडीशन में रहने से आंखों की टियर फिल्म प्रभावित होती है और आंखें सूखने लगती है। इसे ही ड्राई आई सिंड्रोम कहा जाता है। आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि आंसू भी हमारी आंखों के लिए बेहद जरूरी है। आंखों में मौजूद लैक्रिमल ग्लैंड आंसू बनाने का काम करते हैं। दरअसल आंसू हमारी आंखों के लिए कुदरती मॉइस्चराइजर की तरह होते हैं। आंखों को स्वस्थ बनाए रखने में इनकी अहम भूमिका होती है। इसी वजह से आंखों की ऊपरी सतह नम रहती है और पलके झपकाने पर उनको आराम मिलता है। आई बॉल्स के संचालन के साथ आंसू आंखों में मौजूद गंदगी हटाने का भी काम करते हैं। इसी नमी की वजह से आई बॉल्स को ऑक्सीजन और अन्य पोषक तत्व मिलते हैं। आंसू में मौजूद एंजाइम आंखों को इन्फेक्शन से भी बचाता है। आंखों से आंसू निकलना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। प्रतिदिन हमारी आंखों से आंसू निकलते हैं और पलकों के भीतरी कोने से छन कर नाक में चले जाते हैं, लेकिन कभी कभी आंखों में रूखापन आने लगता है। ऐसी स्थिति में लैक्रिमल ग्लैंड से आंसुओं का सिक्रीशन नहीं होता या उनके सूखने की गति तेज हो जाती है। इससे आंखों में किरकिरी, जलन और चुभन महसूस होती है। कई बार ऊपरी पलकों में इन्फेक्शन भी हो जाता है। ऐसी समस्या को एवोपरेटिव टीयर डेफिशिएंसी कहा जाता है। ड्राई आई सिंड्रोम की तकलीफ से बचने के लिए घर से बाहर निकलते समय हमेशा अच्छी क्वालिटी का सनग्लास पहने। आमतौर पर आंखों की नमी बढ़ाने वाले आई ड्रॉप्स से ड्राई आई की समस्या दूर की जाती है। कंप्यूटर पर काम करते या पढ़ते समय हर एक घंटे के अंतराल पर 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करें। अपने मन से दवाओं का सेवन न करें, क्योंकि कुछ दवाओं के साइड इफेक्ट से भी आंखों की नमी सूखने लगती है। ओमेगा 3 फैटी एसिड आंखों के लिए बहुत जरूरी है। मछली, अखरोट, बादाम में यह तत्व भरपूर मात्रा में पाया जाता है। अगर कोई तकलीफ न हो तो भी कम से कम साल में एक बार रूटीन आई चेकअप जरूर करवाएं और डॉक्टर के सभी निर्देशों का पालन करें। अगर आप कॉन्टैक्ट लेंस का इस्तेमाल करते हैं तो उसे नियमित रूप से अच्छी तरह साफ करें। बेहतर यही होगा कि आप अच्छी क्वालिटी का डिस्पोजेबल कॉन्टैक्ट लेंस का इस्तेमाल करें। अपने भोजन में ऐसी चीज़ों को शामिल करें जिनमें एंटीऑक्सीडेंट तत्व और विटामिन ए पर्याप्त मात्रा में मौजूद हो। इसके लिए संतरा, पपीता, आम, नींबू और टमाटर आदि का सेवन फायदेमंद होता है।